और डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन एसएनएस मैथ्स क्लास। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का एरिया ऑफ ए ट्रायंगल का एक फॉर्मूला डिस्कस करने जा रहे हैं। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के टॉपिक में आता है। वैसे जो क्लास 10 के स्टूडेंट्स हैं वो भी इस फॉर्मूले को अगर ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से यूज कर पाएंगे अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में। हम लोग एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कैलकुलेट करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला हमारा नोन फॉर्मूले से डिफरेंट है। हम लोग ऑलरेडी हीरोन्स फॉर्मूला जानते हैं, सो ये फॉर्मूला उनसे डिफरेंट है। सी हियर, फॉर्मूला हमने क्या लिखा है, याद करने का तरीका ये है कि एरिया जो है वो हाफ जिन दोनों साइड को ले रहे हैं, जैसे हम बी सी ले रहे हैं, बी और सी ले रहे हैं तो एंगल बिटवीन देम आएगा। ऐसे ही अगर हम ए और सी लेंगे तो एंगल बिटवीन देम आएगा, और हम ए बी लेंगे तो एंगल बिटवीन देम आएगा। ओके, आइए इस ट्रायंगल को क्या फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। सी हियर इज अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी का सिंपली एरिया जो है, हमें एक फॉर्मूला याद है ना, हाफ बेस इंटू हाइट। वी नो दिस फॉर्मूला, एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ बेस इंटू हाइट। सो इट इज हाफ, यहां पर बेस बी सी ले लें और हाइट ए डी, और इट इज हाफ। नो बी सी मतलब, बी सी मतलब ए ना, ए। सो वी हैव ए डी। अब मुझे ए डी को कैलकुलेट करना ना, इस ए डी को कैलकुलेट करना है। सो ए डी हमें इस हेल्प से भी हो सकता है, इस हेल्प से भी हो सकता है। आइए पहले इस ट्रायंगल को यूज करते हैं। सो सी अगेन, ए डी अपॉन ए सी क्या होगा, साइन सी लिख सकते हैं ना। देखिए ए डी परपेंडिकुलर, या और अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं, ए डी अपॉन ए बी, ए डी अपॉन ए बी, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू साइन बी। सो फ्रॉम दिस वन ए डी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए सी साइन सी लिख सकते हैं। और यहां से अगर हमने इस ट्रायंगल को यूज किया है तो उस केस में ए डी क्या हो जाएगा, दैट विल बी ए बी साइन बी। ओके, ए सी इस डायग्राम में क्या है, ए सी तो बी के इक्वल है, सो इज इट बी साइन सी। यहां अगर इसको यूज करते हैं तो ए बी क्या है, सी है, ए बी क्या है, सी है, सो यू आर रीडिंग सी साइन बी। अब अगर पुट करते हैं, हमारा एरिया डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा है हाफ ए। अगर हमने ये फॉर्मूला यूज किया है तो बी साइन सी हो जाएगा, लेकिन अगर हम सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं तो क्या आएगा, सी साइन बी आएगा। ओके, सो नाउ यू सी द फॉर्मूला, यानी इसमें से दो रिजल्ट आ गए हैं, साइन बी और साइन सी। यानी हमने जिस बेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किए उन दोनों एंगल से रिलेटेड फॉर्मूला हमारे पास आ गया है। यानी अगर हमें तीसरा फॉर्मूला चाहिए, ए पे चाहिए, तो हमें ए को बेस की तरफ ले जाना होगा। सो बेटर है कि हम बी से ए सी पे एक परपेंडिकुलर ई ड्रॉप करते हैं, और इन द सेम इसी तरीके से इसी फैशन पे अगर हम सॉल्व करते हुए आएंगे तो हमारा ये भी रिजल्ट आ जाएगा, हाफ बी सी साइन ए। याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि जिन दो साइड्स को यूज कर रहे हैं उनके बीच के एंगल को यूज करना है। दैट मीन एरिया ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन दैम। जो भी साइड यूज कर रहे हैं उनके बिटवीन जो एंगल बन रहा है उसका साइन यूज होता है, सो दैट इज द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। सो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एरिया कैलकुलेट करने के लिए। एंड नॉट ऑन दैट, इवन अदर जो क्लास 10 स्टूडेंट्स भी इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं जहां ट्रिग्नोमेट्री की इन्वॉल्वमेंट हो। सो डियर फ्रेंड, जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।